हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप किसी वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। तो आप चलिए इस वीडियो को एक बार देखते हैं। ये देखिए, मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोला है और मैं इसमें एक फ्री सॉफ्टवेयर हैंड ब्रेक ये सॉफ्टवेयर डालता हूं। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें क्लिक किया है और ये देखिए फर्स्ट वाला और जो सेकेंड है ये भी सेम ही है, इसके बाद लिंक है दोनों। अब तो मैं चलो दूसरा वाला ओपन करता हूँ एक बार। और ये देखिए, मैंने ओपन किया तो ये देखिए ये आपके सामने ये खुल गया है हैंड ब्रेक करके। और ये देखिए इसका ये लिंक है, डाउनलोड हैंड ब्रेक 1.3.1। इसमें क्लिक करता हूँ और ये देखिए डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो गई है, ये देखिए। और 12.9 MB का सॉफ्टवेयर है और ये बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया है। चलिए मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। मैंने रेस्ट के रन किया, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट और ये इंस्टॉल, ये फिनिश। अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब ये देखिए, ये आइकन बन गया है इसका। अब मैं इससे जब क्लिक करता हूँ इसको, ये देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। और इसमें सामने जो अब देखिए ये फाइल मुझे करनी है, उसकी 1.35 GB की फाइल ये दिखा रहा है। तो ये फाइल को मैं आपको कंप्रेस करके दिखाऊंगा। ये देखिए 1.535 GB दिखा रहा है। तो मैं इसको आपको फ्रेंड्स कॉपी इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसे मैं आपको कंप्रेस करके दिखाऊंगा कि कितना MB में ये फाइल आ जाती है। ये देखिए, ये फाइल आ गई है। ये मेरा एक वीडियो है, वही मैंने आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दीजिए और ये सब कुछ छोड़ के आप वीडियो में जाइए। MP4 को भी इसको आप MP4 में रहने दीजिएगा और आप इसमें जाइए वीडियो में। तो वीडियो में मैं क्लिक करता हूँ। आपको इसमें कुछ ज़्यादा कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपकी जो वीडियो छोटा कर देगा। इसमें आपको फ्रेम रेट को आप 30 करके कंसेंट करके आप यहाँ पर आ जाइए और इसको देखिए क्वालिटी में आप थोड़ा इसको 25 करीब रहने दीजिए, 25 या 25.26 ऐसे ही रखिए, ज़्यादा मत करिए। और इतना छोड़ के आप इसको यहाँ से स्टार्ट इन कोड से आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैंने क्लिक किया और फ्रेंड्स, ये फ्री सॉफ्टवेयर है और छोटा सॉफ्टवेयर है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आप क्वालिटी सिलेक्ट करिए और आप स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए मेरा, इसका कंप्रेशन चल रही है, ये देखिए ये अब पूरा हो गया। ये देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगाएगा। तो अब आप देखिए, अब ये इसकी जो फाइल बनी है, ये देखिए ये फाइल बनी कॉम्प्रेस वीडियो करके फाइल जो इसकी बनी है, ये है ओरिजिनल फाइल। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाली आपकी 1.35 GB की फाइल जो हमने की थी। और ये आप देखिए, ये मैंने जो कंप्रेस की है ये है 45 MB की फाइल। देखिए कितनी छोटी ये फाइल हो गई इससे। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा, अगर आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो आपको ज़्यादा डेटा भी नहीं लगेगा। और कोई किसी जगह मांगते हैं कि हमें छोटी फाइल चाहिए, आपको कोई फाइल देनी है मूवी की फाइल या कुछ फाइल, तो आप देखिए। अब इस क्वालिटी देखिए कितनी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी भी इसकी कुछ ख़राब नहीं हुई, जैसी है वैसी ही है इसमें दिखा रहा है। राइट हैंड साइड पे देखिए आप, ये कंप्रेस फाइल है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये दूसरी वाली फाइल है। तो ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, ये आपको कन्वर्टर और आपका कंप्रेस दोनों ही करेगा। तो ये देखिए, ये आप डालिए इसमें YTD YouTube डाउनलोडर। ये मैं ओपन करता हूँ, देखिए ये फाइल मैंने फर्स्ट वाली ओपन की है और ये मैं, ये देखिए YTD वीडियो डाउनलोडर एंड वीडियो कन्वर्टर, ये बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, इसको आप फ्री डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें जाके रन करता हूँ, इसको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। और ये कितनी जल्दी इंस्टॉल हो गया देखिए। अब आप इसमें, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए ये वाला सब, ये वाली फाइल मैं आपको करके दिखाऊंगा जो आपके अभी मैंने की थी 1.35
5 GB की। यही फाइल मैं आपको दोबारा YTD वीडियो डाउनलोडर से कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। इसमें आप फाइल की, आपको जैसे ये मेरी जो फाइल है MP4 है, अगर आपको ये फाइल किसी और फॉर्मेट में चाहिए, WMV या किसी और फॉर्मेट में चाहिए, तो इसमें आप कर सकते हैं। ये आपकी छोटी भी हो जाएगी और कन्वर्ट भी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से तो आप वीडियो डाउनलोड करते हैं, आपको पता ही होगा, YouTube में जाके लिंक कॉपी कर दीजिए, यहाँ पर डाउनलोड में यहाँ पर लिंक करिए और जो नीचे ऑप्शन दिखा रहा है ये वाला, इसमें आप डाउनलोड कर देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो आज हम कन्वर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये कन्वर्ट मैंने खोला, ये वाला, इसमें आप देखिए ये वाली फाइल मुझे करनी है, तो मैं इस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके इसमें डाल दूंगा। अब जैसे ये फाइल मैंने फर्स्ट वाली में ढूंढता हूँ डेस्कटॉप पे, ये वाली फाइल देखिए, मैं इसे ओपन करता हूँ और ये देखिए, और ये WMV में मैं करके देख रहा हूँ। और भी जो फॉर्मेट्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। आप MP3 बनाना चाहते हैं, इससे MP3 बन जाएगा, और आप AVI भी आप कर सकते हैं। आप जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए इसमें आप कर सकते हैं। चलो मैं इसको WMV में करके आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, ये फॉर्मेट मैंने लिया है और ये हाई रेजोल्यूशन में मैंने कर रखा है। यहाँ से आप इसको रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, इसका क्वालिटी। तो यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको कट का ऑप्शन भी इसमें है। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं चाहिए, कुछ पार्ट चाहिए वीडियो का, तो यहाँ से आप कट करके यहाँ पर स्टार्ट और यहाँ पर एंड पॉइंट आप लिख दीजिए। यहाँ से स्टार्ट और लास्ट में, और यहाँ पर एंड पॉइंट लिख दीजिए इसका, कितना आपको वीडियो चाहिए। और ये कट में क्लिक मार के रखिए, इसमें टिक करिए और मैं हटा देता हूँ और ये कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये कन्वर्ट चल रहा है। तो ये देखिए, ये भी आपकी, ये फाइल में दिखा दूँगा ये आपको कितने MB की फाइल बनेगी ये वाली, और ये साथ में कन्वर्ट भी हो रही है किसी दूसरे फॉर्मेट में। तो आपको कोई फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको खाली उसी फॉर्मेट में चाहिए और बहुत ही छोटी फाइल चाहिए, तो आप हैंड ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान और छोटा सॉफ्टवेयर है और फ्री है। अब देखिए, मैं उसे ओपन करता हूँ फाइल को। ये देखिए, मैंने फाइल ये कॉपी कर दी। अब ये देखते हैं कितने MB फाइल ये आई है। पहले मैं उसको ओपन कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये फाइल, इसका भी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। ये देखिए, और आप अपनी फाइल को छोटा कर सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।